खरगोन जिला मुख्यालय के कालादेवल मार्ग स्थित एक नवविवाहिता ने अपने मायके में अज्ञात कारण के चलते गत रात को गले में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के पिता संतोष ने बताया कि मैं अस्पताल गया हुआ था और घर में लड़की और उसका भाई था। इस दौरान कोमल ने अज्ञात कारणों के चलते कुर्सी पर खड़े होकर स्कार्फ का फंदा लगाकर पंखे से लटककर फांसी लगा ली। मृतक के पिता संतोष ने यह भी बताया कि साल भर पहले मृतिका की शादी इंदौर में हुई थी और शादी के 12 दिन बाद ही लड़की घर आ गई थी। उसका केस चल रहा था और बुधवार को ही उसकी पेशी थी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। अस्पताल से ये बच्चे बहन भाई आते तो भाई तो नीचे खेलने चला गया, ये अकेले आती। उसके बाद इसने कहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ फांसी लगा ली। छोरा हमारे पास गया बक्के बुलाने, पप्पा जी बहन ने फांसी लगा ली। बस इतनी बात। शादीशुदा थी? हाँ शादीशुदा, साल भर हो गया शादी को। बच्चे वगैरह कुछ नहीं? बच्चे कोई नहीं। ससुराल तरफ से कोई दबाव नहीं? 15 दिन तो रही, अब क्या दबाव होगा। शादी के बाद 15 दिन रही। लौट आई। 11:30 बजे बच्चे ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। क्या कारण रहा? कारण तो अभी कुछ स्पष्ट मालूम नहीं है। हम भी रात को ही पूछे थे उनके घर पे, जैसे सूचना मिली तो वैसे पूछे। अब जांच में है मामला, क्या कारण है। क्या उम्र थी लड़की? 20 साल। वाल्मीकि समाज की बच्ची थी, कोमल वाल्मीकि। नाम क्या था? कोमल। पिता का नाम? संतोष जी बहुत। ये कहाँ रहते थे? ये काला देवल मार्ग। पढ़ती वगैरह भी थी बच्ची? पढ़ती नहीं, शादीशुदा बच्ची थी। अभी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। इंदौर का कोई थी? नहीं, पड़तालीत का कोई मामला नहीं। अचानक